हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैपिटल। फटाफट बताओ, किसी को याद है कैपिटल्स फिक्स होती है या फिर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग और फिक्स? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग, शाबाश, तुम लोग कुछ सच में करके दिखाओ। कुछ बच्चे हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल चेंज हो सकती है, कैपिटल कैपिटल में चेंज नहीं। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल फिक्स्ड में थोड़ा चेंज होती है। कैपिटल चेंज नहीं हो सकती और इसके अंदर कैपिटल में चेंज। ओके, अच्छा एक बात बताओ फटाफट, सबके टेस्ट हो रहे हैं। पार्टनर्स को हम भी कोई भी अमाउंट देना है, हमने फर्म ने पार्टनर्स को कोई भी अमाउंट देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी कम होगी? पार्टनर्स को हमने कुछ देना है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बढ़ेगी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट देने कैपिटल बढ़ जाएगी, और उससे लेना है तो जैसे उससे लॉस का पैसा काट, कैपिटल कम हो जाएगी। एग्जैक्टली, कैपिटल कम हो जाएगी, क्लियर है? लेकिन अगर कैपिटल फिक्स है तो ऑल एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो कहां से होंगी? ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। एग्जैक्टली, आर मेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। सबको ये बातें अच्छे से क्लियर है? मतलब मैंने लास्ट क्लास में खिट्टा पढ़ा दिया था, ठीक है? अब सबको ये बात पता चल गई है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी जब हम पार्टनर को पैसा देंगे और कम होगी जब हम पार्टनर से पैसा लेंगे। तो हम सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करने वाले। देखिए, अब मैं आपको फॉर्मेट बताने वाला हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। फटाफट आप साथ साथ देखना शुरू कर देंगे। हेलो, ठीक है, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है? अभी आपने सिर्फ समझना है, ठीक है? कुछ कोई कुछ कह रहा है क्या? देखिए, मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में दो पार्टनर्स का एग्जांपल ले रहा हूं। लेट्स से वी हैव टू पार्टनर्स एक्स और वाई, ठीक है? हमारे पास दो पार्टनर्स है एक्स और वाई, ठीक है? यहां पर भी एक्स और वाई, ठीक है? कैपिटल अकाउंट में आप तीन पार्टनर, चार पार्टनर, पांच पार्टनर कैसा भी बना सकते हैं, अलग अलग कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं हर बंदे का, ठीक है? लेकिन हम क्यों समय वेस्ट करें, दो दो अकाउंट बना के हमने एक ही बना लिया। ये हमारा पर्टिकुलर कॉलम है, ठीक है? आज मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले बताओ कैपिटल का बैलेंस कौन सी साइड पे आना चाहिए? कैपिटल का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, एसेट्स का डेबिट साइड पे आता है, कैपिटल का आना चाहिए क्रेडिट साइड, ठीक है? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बीडी, बीडी क्या होता है? बीडी बेटा, बी मतलब बिगनिंग, बी मतलब बिगनिंग, वैसे ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं उसको, ब्रॉड डाउन बोलते हैं, लेकिन आपने कहना बी मतलब बिगनिंग और सी मतलब क्लोजिंग, ऐसे याद कर लेना, ठीक है? जिनको 11th में याद नहीं रहा, बैलेंस बीडी इतनी कैपिटल थी, ठीक है? दिस इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? मैं इसको रेड मार्कर से लिखता हूँ, ये मेरे ओपनिंग बैलेंस, ये मेरे ओपनिंग बैलेंस है, मैंने ओपनिंग की जगह ओपी लिख दिया, ठीक है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने पार्टनर को क्या क्या देना है, पार्टनर की कैपिटल किस किस वजह से बढ़ती है, वो सारी चीजें क्रेडिट साइड पर आ रही है। आई रिपीट, जिस जिस इवेंट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, जिस जिस इवेंट से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, वो सारी क्रेडिट साइड पर आ रही है। सबसे पहली चीज, अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर लगाए, कोई भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर लगाता है तो कैपिटल बढ़ गई और पार्टनर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? आई हैव लेस स्पेस तो इसलिए मैं इंटरेस्ट को INT डॉट कर दिया, ओके? कैपिटल बढ़ गई। पार्टनर को अगर हम सैलरी देते हैं, पार्टनर को अगर हम सैलरी देते हैं या पार्टनर को हम कमीशन देते हैं, ठीक है, टू पार्टनर्स, तो कैपिटल बढ़ गई, क्लियर है? पार्टनर को शेयर इन प्रॉफिट देते हैं, क्या देते हैं? शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से आता है पार्टनर के पास? प्रॉफिट आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ठीक है? इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे शेयर इन प्रॉफिट्स, शेयर इन प्रॉफिट्स, ठीक है? ये सारी चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं। सर, इसके अलावा भी पार्टनर को कुछ दिया जा सकता है? बेटा ये तो नॉर्मल चीज है, दे तो आप कुछ भी सकते हो। मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास रिजर्व पड़े हुए थे,
अब वो रिजर्व किसी काम के लिए है, रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, फायदे जो जोड़ के रखे हुए। क्लियर है बात, समझ आ रही है बात? लेट मी चेक, अरुण यस सर, ठीक है, एक तो मैं हूँ, करिश्मा यस सर, कशिश यस सर, ठीक है, चलो सब होश में, सब जागे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, ठीक है। तो अब देखिए ये सारी चीजें हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो कैपिटल बढ़ रही है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, पार्टनर और पैसा लगा रहा है बिजनेस के अंदर तो भी कैपिटल बढ़ रही है। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं हम, इसके अलावा हम शेयर इन रिजर्व दे सकते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखते नहीं है, शेयर इन रिजर्व, ये मैं लैंग्वेज के अंदर लिख रहा हूँ, अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग फॉर्म में नहीं लिखा, ठीक है, मैंने जनरली लिखा शेयर इन रिजर्व, ओके। तो ये सारी चीजें कैपिटल को बढ़ाती है। अब आते हैं कैपिटल को घटाने वाली चीज, कैपिटल को घटाने वाली सबसे खतरनाक चीज क्या है, जब पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है, पैसा निकालता है तो कैपिटल कम हो जाती है, कम हो जाती है डेबिट। पार्टनर से हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओके, तो भी कैपिटल कम हो जाती है उसकी, क्योंकि हमने पार्टनर से पैसा लेना है। उसके अलावा सर प्रॉफिट देते हो कैपिटल बढ़ती है, लॉस देते हो कैपिटल कम हो जाती है, लेकिन लॉस के केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हो, ठीक है, एज पर योर चॉइस। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया ही नहीं है लॉस के केस में, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साफ साफ शब्दों में लिखने वाला हूँ शेयर इन लॉस, क्या लिखेंगे, शेयर इन लॉस, ओके, शेयर इन लॉस, ठीक है। अब देखिए आप सबको पता है टोटल ऑफ बोथ साइड शुड बी इक्वल, डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए, है ना। अब टोटल इक्वल करने के लिए हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे फिर डेबिट का। लेट से क्रेडिट साइड है 1000 और डेबिट है 800, ठीक है, तो मेरे पास यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 200, ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देता हूं, मैंने इसको बैलेंसिंग फिगर लिखा है, ओके, आपको सिर्फ समझाने के लिए फिगर्स लिखी है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब देखो हमारा टोटल क्या आ गया, टोटल हमारा कितना हो गया 1000 रुपए, ये बैलेंसिंग भी दिखा रहा हूं मैं आपको, जिनको 11th में नहीं आती उनके लिए, ठीक है। वाई को भी करते थे, वाई का था 800 और यहां था 500, तो इसका बैलेंस कितना आ गया 300, दोनों का बैलेंस कितना आ गया, दोनों का टोटल कितना आ गया 800। जिसको यहां तक क्वेरी वो फटाफट पूछ लो, जिसको यहां तक क्वेरी वो फटाफट पूछ लो कमेंट। चलो किसी क्वेरी नहीं है, पारुल की क्वेरी है कोई, पारुल नो सर, ओके चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा अब एक चीज जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, वो हाईलाइट करने वाली चीज क्या, नेगेटिव कैपिटल। सर ये नेगेटिव कैपिटल क्या होता है, बेटा मैं बिजनेस के अंदर लगा रहा हूँ 10,000, मेरा दोस्त सजल, ठीक है, सजल हो गया 18+, तो उसने भी लगाए, उसने लगा दी 10,000, टोटल कितने हो गए 20,000, ठीक है। अब मैंने जब ड्रॉइंग करी तो मैंने 12,000 निकाल लिए। सर ऐसे कैसे निकालोगे 12,000, मैंने अपनी कैपिटल तो निकाल ली, 2,000 फालतू निकाल ली, इस केस में मेरी कैपिटल नेगेटिव हो जाती है, क्या हो जाती है नेगेटिव, मतलब मैं देनदार बन गया फॉर्म का डेटर बन गया, मैंने फॉर्म को वापस करने हैं 2,000, क्लियर है। तो इस केस में मैंने कैपिटल लगाई नहीं है, कैपिटल फालतू निकाल दिया है, तो इन दैट केस अगर मैं कैपिटल फालतू निकाल लेता हूं तो उस केस में मेरा जो बैलेंस है वो एसेट की तरह डेबिट साइड पे आ जाता है, क्योंकि मैं एक तरह से फॉर्म के लिए एसेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस। अच्छा इसको ब्लैक से कर हाईलाइट कर देंगे हम यहाँ लोगों ने, बैलेंस बीडी, ठीक है, और यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, नेगेटिव और डेबिट बैलेंस, ठीक है, इसको नेगेटिव बैलेंस भी बोल सकते हो, डेबिट बैलेंस भी बोल सकते हो। अच्छा सर इसका मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया और क्रेडिट बैलेंस हो गया, क्लियर है बात, किसी को क्वेरी है तो पूछ लो, कैपिटल पॉजिटिव और क्रेडिट ये रहा, नेगेटिव और डेबिट बैलेंस इसको कहते हैं, क्लियर है सर। फिर तो नेगेटिव क्लोजिंग भी हो सकता है, यस, अगर डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब कटौती ज्यादा है, कैपिटल में से हमने पैसा ज्यादा काट लिया, कैपिटल इतनी थी नहीं। छोटा सा एग्जांपल, मेरी कैपिटल में क्रेडिट आया था 1,000 रुपए लेकिन डेबिट हो गया 1,200 रुपए, तो उस केस में डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज मोर, व्हेन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट इज मोर इसका मतलब उसका नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। तो मैं शेयर इन रिजर्व काट देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इतना रेलिवेंट नहीं है, यहाँ लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, यहाँ बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, और ये किसको इंडिकेट करेगा, ये नेगेटिव और डेबिट बैलेंस को इंडिकेट करेगा। सर आपने यहाँ डेबिट कैसे लिख दिया, बेटा
डेबिट, ये डेबिट ओपनिंग बैलेंस है और ये डेबिट क्लोजिंग बैलेंस है. डेबिट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे आता है और डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पे आता है. ठीक है सर, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है क्या? हाँ ये बिल्कुल, ये पॉजिटिव बैलेंस, ये पॉजिटिव बैलेंस है और इसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे. बिकॉज रीजन इज क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो बैलेंस बचा. ये बैलेंस क्या है? डेबिट साइड ज्यादा थी तो बैलेंस बचा. इज दैट क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई? किसी की क्वेरी है तो प्लीज यू में आस्क, प्लीज फटाफट पूछ लीजिए. When capitals are fixed, those case में we have two accounts, ठीक है? पहला account हमारा बनेगा partners capital account. Sir, capital account बना रहे हो आप, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है बेटा? इसके अंदर कुछ भी नहीं आने वाला क्योंकि capital change करना मना है. तो हम ये छोटा सा बनाएंगे, ठीक है? इतना सा account, ठीक है? दो partners की example ले रहे हैं, तीन चार पांच कितने भी हो सकते, ठीक है? मैक्सिमम जो केस आता है वो तीन पार्टनर्स का आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है? देखिए सबसे पहले यहां पर आएगा बाय बैलेंस बीडी. सर यहां पर बाय बैलेंस बीडी क्यों है बेटा? कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, शुरुआती बैलेंस, तो बैलेंस बीडी हमारा क्रेडिट साइड पे आ गया, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? कैपिटल बढ़ती कम होती है ही नहीं, तो यहां पर इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस सीडी. सर मतलब अगर कैपिटल शुरू में 10,000 है तो एंड में भी 10,000 ही रहेगी? बिल्कुल. क्या वाई के साथ भी ऐसा होगा? यस, वाई के साथ भी ऐसा होगा, ठीक है? वाई की कैपिटल 5,000 कर देंगे, ठीक है? डिफरेंस क्रिएट करेंगे. क्लियर है जी? समझ आया? तो कैपिटल चेंज नहीं हो सकती. सर एक बात बताओ, पार्टनर्स के घर पे कोई दिक्कत आ गई तो भी कैपिटल चेंज नहीं हो सकती क्या? बेटा देखो सब कुछ लिखा कहां पर होता है? एग्रीमेंट में. कहां लिखा होता है? एग्रीमेंट में. तो याद रहे दो केसेस अभी ऐसे हैं जिसके अंदर कैपिटल चेंज हो सकती है, चाहे कैपिटल फिक्स ही क्यों ना हो. मतलब देयर आर टू एक्सेप्शंस टू द फिक्स्ड कैपिटल, और वो एक्सेप्शंस क्या, आप ऐसे लिखेंगे फटाफट, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस व्हेन कैपिटल्स मे चेंज, मे चेंज, ठीक है? सो क्लीन अप हो यहां पर, सो क्लीन नहीं है, सो क्लीन नहीं है. ओके सो एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड. जब भी एडिशनल कैपिटल आती है तब तब कैपिटल चेंज हो सकती है. ऑब्वियसली जब और पैसा डालोगे तो हमारी कैपिटल चेंज होगी ना. सेकंड मतलब एडिशनल कैपिटल डालोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी. तो यहां आ जाएगा बाय एडिशनल कैपिटल, ठीक है? ये एक्सेप्शन है, बाय एडिशनल कैपिटल, ठीक है? तो कभी भी कोई भी पूछेगा क्या फिक्स कैपिटल में कैपिटल कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो आप बोलोगे नहीं हो सकती. लेकिन दो एक्सेप्शन है, पहला जब एडिशनल कैपिटल डाल, दूसरा जब मजबूरी आ जाए और पार्टनर्स को पैसा निकालना पड़ जाए, व्हेन ड्रॉइंग्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल. सबसे पहले आपने इस आउट ऑफ कैपिटल को अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना. पार्टनर के पास दो अकाउंट है, कैपिटल और करंट अकाउंट. तो याद रहे जब वो अपनी कैपिटल से पैसा निकालेगा, बोलती है कि मैं अपनी कैपिटल से पैसा निकाल रहा हूं, तो इन दैट केस कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है? तो कैपिटल कम होगी तो यहां आ जाएगा टू ड्रॉइंग्स, ठीक है, आउट ऑफ कैपिटल. तो दीज आर दी टू एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन नंबर वन एंड एक्सेप्शन नंबर टू. ये मेरा एक्सेप्शन नंबर वन हो गया और ये मेरा एक्सेप्शन नंबर टू हो गया. याद रहे पार्टनर पैसा निकाल रहा है, बोल के निकाल रहा है कि मैं कैपिटल में से निकाल रहा हूं, और दूसरा एडिशनल कैपिटल डाल रहा है, तो कैपिटल चेंज हो सकती है, अदरवाइज कैपिटल चेंज नहीं होगी कुछ भी हो जाए. सर कैपिटल में तो कुछ आएगा नहीं, तो फटाफट हमें करंट अकाउंट बना के दिखा दो. अच्छा इसके अंदर कोई क्वेरी तो नहीं कैपिटल अकाउंट में? फटाफट पूछ लो, पांच तक गिन लो. देखो पांच तक गिना, कोई क्वेरी नहीं. ओके देखो क्वेरी दो केस में नहीं आती, या तो जब सब समझ आ जाए या फिर जब कुछ भी समझ ना आया.
ठीक है, तो आपका वाला केस कौन सा है? मैं मान के चलता हूं आपको सब समझ आ गया, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर आप ये नोट कर लो तो मेरे लिए और बेटर हो जाएगा, मैं आपको करंट अकाउंट बड़ा बड़ा बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। फटाफट ऐसा करो, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोट कर लो, ठीक है। सो अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, फिक्स कैपिटल के अंदर पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट की स्पेलिंग सबको पता है ना, करंट लग जाएगा जो गलत लिख के। देखिए सर इतना बड़ा क्यों बनाया, इसमें कुछ स्पेशल है? बेटा ये बिल्कुल सिंपल है, ये करंट अकाउंट समझ लो, आपको ऐसा लगेगा जाना पे जाना टाइप, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये देखिए सबसे पहले यहां पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस भी कैपिटल की तरह क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक, क्योंकि कैपिटल का ही पार्ट होता है, ठीक है, जिससे हम छेड़ सकते हैं। अब पार्टनर्स को हम जो भी देते हैं वो यहां आ जाएगा, क्या क्या देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या देते हैं पार्टनर्स को, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, और हम पार्टनर्स को क्या क्या देते हैं, क्या क्या देते हैं, शेयर इन प्रॉफिट, है ना, जो कहां से आता था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन को मैंने ऐप लिख दिया है, शेयर इन